के अनुसार श्रद्धा सहित गद्दी धरूं, जप बैठियो पवन कुमार। सरस्वती बिन ना सुर मिले, गुरु बिन मिले न ज्ञान। जल बिन अंसा ना मिले, तो बिना भजन भगवान। तुलसी सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई। धनवंता बाए जानिया, जाके राम नाम धन हो। बंदों संतन की मंडली, गुरु चरण सी सनवा। इन संतन की कृपा से कछु हरे असर हो सुना। कथा प्रांगण में आसन पर बैठे हुए मेरे महान संत भगवान, कथा प्रांगण में पवित्र स्थान पर बैठे हुए बड़ी दूर दूर से आए हुए मेरे पितातुल्य बुजुर्ग, पांडाल में बैठी हुई सती सावित्री सीता अनुसुईया जैसी भारत भूमि पर रहने वाली माता बहन, महान संतों का, बुजुर्गों का, माता बहनों का आशीर्वाद लेते हुए छठवें दिवस की कथा मेरे भक्तजन यादव नगर अभागढ़ में बड़े विधान के साथ में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। परम पूज गुरुदेव जी भी आज आपके मंच पर आएंगे 4:15 बजे। जहाँ तक आवाज जा रही हो वहाँ तक भक्त सभी भक्तजन आए, और हमारे दरोगा जी साहब भी कछला से बैठे हुए हैं, पितातुल्य बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। ऐसे महान भक्तों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। बहुत छोटा कथावाचक हूँ, गलतियाँ हो जाए माफ करना। निवेदन करूँगा माता बहनों से, समय को देखते हुए सभी माताएं जल्दी आ जाएं, जो कि विधान के साथ में गिरिराज महाराज की पूजा सभी माताएं कर सकें। और ये हमारी बहन जी बुआ जी बड़ी पवित्र आत्मा हैं, जो हमारे फौजी हैं, उनकी धर्मपत्नी। 100 रुपये से मेरा और सुशील शास्त्री जी का भी सम्मान कर रही हैं। जो जल बढ़े जय नाव में, घर में बढ़े जय दाम। दोनों हाथ लीजियो जय सज्जन को का। अच्छे कार्य करने चाहिए, धर्म करना चाहिए। धन्यवाद, माताओं का आशीर्वाद है। बड़े जिज्ञासु भक्त हैं। दो लाइन का भजन और आगे के लिए कथाओं पर मेरे भक्त गौर करें। हेलो, एक से एक रुपया देवेंद्र पाल सिंह मेन मार्केट अभागढ़, और रामभू सिंह, सनौब सिंह, महावीर सिंह यादव नगर, ये आलमपुर वाले हैं। 50 किलो गेहूँ भागवत में उन्होंने अर्पण किए, भगवान उनको सुख और शांति दे। दो लाइन का भजन बोलेंगे, धन्यवाद भक्तों के लिए। अरे तेरी सोने जैसी काया, अरे तेरी सोने जैसी काया भैया छूट जावे, तेरी सोने जैसी काया एक दिन छूट जावे। सुखदेव जी बता रहे, राजन ए बच्चे
आज छठवां दिन है, कल सातवां दिन है। कल आपको वो तक्षक सर्प काट लेगा, तुम दुनिया से विदा हो जाओ। परीक्षित को ज्ञान हो गया है, समाधि लगी हुई है। आत्मा कभी मरती नहीं, मरती सदा जे देह है। देह ना हो सकती अमर जामे न कोई संत। आत्मा अजर अमर है, कभी मरती नहीं है। भगवान का नाम कभी मरता नहीं है, वो जर्रे जर्रे में कड़कड़ में व्याप्त है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, राजन तेरी सोने जैसी काया भैया झूठ जावे। सुंदर महल, सुंदर सुंदर जो बाग लगाए, सब छूट जाएंगे। परीक्षित के ही नहीं, हमारे और आपके सबके। अरे महल तो महल अटा अटारी बाग बगीचा न्यारे। महल तो महल और खड़े खड़े सब नीरबा में सका बंद सब प्यारे जा जा दिन पड़े काल कोट काया का घर खाली करना पड़ेगा। कोई रोकने वाला नहीं है। जिस समय काल का डंडा पड़ेगा, घर के हितकारी बुहारी कोई काम नहीं आएंगे, उस दिन काम आएगा तो परमात्मा का नाम काम आएगा, कोई नहीं है। जा दिन पड़े काल को डंडा खाया अरे झूठ कपट से करी कमाई मन में अत हरतायो।
सभी भक्त बड़े विधि विधान के साथ में कथा प्रांगण में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं का रसा स्वादन कर रहे हैं। गंगा मैया के हरिहर क्षेत्र में अर्जुन के नाती अभिमन्यु के बेटा उत्तरा के गर्भ से जन्म लेकर के आए हैं। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में जब एक बाण